वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस. इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट प्रिज्म. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब पूछे जाते हैं. इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्टरी में देखो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज़. इसके बाद हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, फिर टेलीस्कोप के बारे में. 2 डेज 3 डेज लगेंगे, सबको वन बाय वन हम आपके कर देंगे. अब आपके यहाँ पर देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो ये है क्या चीज़. ऑप्टिकल, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेंट्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू पहला ऑब्जर्व यूज टू ऑब्जर्व हाईली मैग्नीफाइड इमेजेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस यूज टू ऑब्जर्व हाईली मैग्नीफाइड इमेजेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बड़ा करके देखते हैं. अब यहाँ पर मेनली इसको डेफिनेशन लर्न करने से नहीं होता है. अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं देख लो. टाइनी ऑब्जेक्ट, आपने वॉच मेकर को देखा होगा जो घड़ी रिपेयर करते हैं, आँख में एक लगा रहते हैं तो उसके भीतर भी एक लेंस लगा रहता है, उससे घड़ी के छोटे पार्ट भी बड़ा बड़ा पार्ट दिखाई पड़ता है और आराम से रिपेयरिंग करते हैं. फिर आपने ज्वेलर्स के पास जाते हो, एक छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स में बहुत महीन छोटे छोटे डिजाइन रहते हैं, वो कैसे डिजाइन बनाते हैं तो वो भी आँख में माइक्रोस्कोप ये लगा लेते हैं जिससे कि डिजाइन बड़ा बड़ा दिखता है और फिर उसमें छोटा छोटा डिजाइन वो बना देते हैं. यहाँ लिखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस यूज टू ऑब्जर्व हाईली मैग्नीफाइड इमेजेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड में इसमें देख लो यूज टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये आपके टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट यूज टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं उनको देखने में हम यूज करते हैं. जैसे कि हम स्टार की तरफ देखते हैं, प्लैनेट्स की तरफ देखते हैं, सैटेलाइट की तरफ से देखते हैं, ये सारा का सारा हमारा ये है. तो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट आपने ये देख लिया. अब आपके सेकंड में देख लो द मोस्ट कॉमनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. मोस्ट कॉमनली यूज टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप. अब इसका बेटा ऐसे नहीं याद रहते हैं कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं. माइक्रोस्कोप नाम से ही पता चलता है, माइक्रो तो छोटे ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देखते हैं. और जब इसका डिस्कवरी हुआ जॉनसन एंड जॉनसन 1599 में जॉनसन एंड जॉनसन ब्रदर्स ने ये बनाए थे. उसके बाद आगे चल के देखते हो लुएन हॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे.
और तब जाके उन्होंने सेल के भीतर का देखा, छोटा छोटा पार्ट, एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा धागे की तरह पॉइंट की तरह दिखते थे। आगे चल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एमनॉल एंड ई रिस्का ने 1930 में बनाया, जिसके आधार पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी को और डिटेल रूप से देख सके कि मोस्ट कॉमनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आवर आईज आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इंट्रोडक्टरी में आप इतना दे दिए। अब यहाँ पर तीसरे भी नोट कर देता हूँ, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप आर यूज टू सी हाईली हाईली मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड इमेज इमेज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का हाईली देखते हैं। फोर्थ में टेलीस्कोप टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी फार ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स फार ऑफ ऑब्जेक्ट फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे ये इंट्रोडक्टरी में इतना हमने नोट कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, पेपर में आपके सिंपल माइक्रोस्कोप पूछे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे या टेलीस्कोप, पेपर में जनरली रहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन या डिफाइन मैग्निफिकेशन। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं पेपर में आंसर इस लुकअप से दो जो टीचर उसको पढ़े, जैसे वन लाइन ही है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप केवल रे डायग्राम बना दो, मैग्नीफिकेशन लिख दिए, चलो टू द पॉइंट आपने कहोगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डालना चाहिए। फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कहाँ क्या रखते हैं, फिर थोड़ा कंस्ट्रक्शन, फिर रे डायग्राम, फिर उसका मैग्नीफिकेशन। आप शॉर्ट में लिखो लेकिन पॉइंट सारा होना चाहिए। इस तरह से एग्जामिनर के पॉइंट में 5-6 पॉइंट दिखाई पड़ेंगे लुकअप, तो हर पॉइंट पर यदि वो हाफ मार्क्स भी पुट करते हैं तो 3 में से 3 आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये 5 में भी यदि डालते हैं तो 3 मार्क्स का ये रहेगा और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल डाल देगा। अकेले ये 5 मार्क्स के बराबर नहीं है, इसलिए चाहे माइक्रोस्कोप सिंपल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे टेलीस्कोप हो, अकेले ये 3 मार्क्स के लिए बने हैं। अब इसमें देख लो, हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया आपके सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, एक हेडलाइन हो गया। अब इसके बाद इसमें चल तो काम करते हैं कैसे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। अब इसमें जो लिखते हैं प्रिंसिपल को हमने 2 पार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 पार्ट ये रहता नहीं है, लेकिन 2 पार्ट हम लिख देते हैं। पार्ट नंबर 1 द वर्किंग ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप द वर्किंग ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स। यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ रे के आधार पर ही हम ये काम करते हैं, ये इंडिकेट कर दोगे, कहोगे वेव आधार पर, वेव ऑप्टिक्स के आधार पर ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रे ड्रॉ करते हैं और रे के आधार पर। अब कैसे क्या बनते हैं, दूसरा पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस, वी ऑब्टेन
obtain, we obtain a virtual erect and magnified image. When an object is placed between focus and optical center of a convex lens, we obtain a virtual and erect and magnified image of the object. Here, of the object of same side of object, जिधर object है उसी तरफ इसका इमेज बन जाता है। इस तरह से आपने देखो इंट्रोडक्शन दिए, प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल के बाद ये कहते नहीं है कंस्ट्रक्शन दो, आपको डालना है, चाहे वन पॉइंट डालो टू पॉइंट डालो। तो हेडलाइन तो देख लो बन गया बेटा कंस्ट्रक्शन। इसमें भी दो पार्ट दिखा देते हैं कंस्ट्रक्शन। सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपली आपने ये दे दिया। चलो एक ही पॉइंट रखते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। जिसका फोकल लेंथ छोटा है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। सिंपली एक कंस्ट्रक्शन। अब टीचर के नज़र में वन हेडलाइन टू हेडलाइन ये मिल गए आपके। अब इसका रे डायग्राम बनाना है। अब रे डायग्राम जैसे बनाते हैं कैसे, तो देख लो रे डायग्राम हम पहले भी सिखा चुके हैं। इस आधार पर देख लो, ये हमने एक लेंस ले लिया, रे डायग्राम के लिए। अब यहाँ पर ये इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिए। हमने आपको बता रखा है डायग्राम बनाते समय बीच में एक ये लाइन खींच लो, जिससे आपको पता चल जाएगा ये ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर आपने एफ डाला, ठीक उतने ही डिस्टेंस पर टू एफ। तो स्केल से कॉपी पर बनाते समय क्या करोगे बेटा, एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अगर बनाएंगे नहीं तो हम यहाँ से यहाँ तक यदि 2 सेंटीमीटर लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर पर मार्क लगा देंगे। ठीक उसी स्केल से इधर 2 सेंटीमीटर पर हमने एफ डैश लगा दिया और उतने ही पर हमने 2F डैश लगा दिया। हमने कहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया AV। अब यहाँ से एक रे ऐसे गया जो आपके फोकस से पास करेंगे। दूसरा रे देखो बेटा डायरेक्ट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से गया। ये देखते हैं क्या दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं लेकिन डाइवर्जिंग हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसलिए इनके मिलने का कोई चांस है नहीं। अब आप इस रेज को पीछे की ओर बढ़ाओ, इस रेज को पीछे की ओर बढ़ाओ, तो देखो यहाँ जाके मिलते हैं। अब यहाँ जो मिलते हैं तो यहाँ से आप ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, ये आपका बन गया ए डैश और ये बी डैश। ये आपका ए है ये बी है। यहाँ पर रे डायग्राम आपने इस तरह से बना दिए। अब ये रे डायग्राम के लिए हमने ये आपके बन गए। आगे बात समझ में। अब रे डायग्राम जो बनाते हैं, अब यहीं पर हम आई का साइन दे देते हैं, आँख का साइन ऐसे बना देना भाई, ये बना दिए।
ये बना दिए, देखने वाले को यहाँ से दिखते हैं। अब आपके यहाँ लिखोगे पेपर में क्या रेडियोग्राम, देख लो द एस्टिमेटिक, यहाँ पर हम एक और लाइन डाल देते हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, वर्किंग। देखो वर्किंग भी हेडलाइन हमने डाल दिया, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज करते हैं, ग्लास मेरे हाथ में है, हम कैसे देखेंगे, तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हम दूर रखते हैं, सीधा इमेज नहीं बनता है, तो और पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट के जितने पास रखेंगे, खूब पास रखेंगे तो देखिए इमेज बड़ा, अब इमेज बड़ा और छोटा, अब ये इस तरह से तो बनेंगे, लेकिन जिस पॉइंट पर इमेज क्लियर बने उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस डिस्टेंस को, और ये होता है 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से, तो वो 25 सेंटीमीटर पर आप रखते हो। अब यहाँ पर देखो वर्किंग, हेयर वर्किंग में हेयर एवी एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन बिटवीन फोकस एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर सी, हेयर एवी इज ऑब्जेक्ट देख हुज हुज वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड मैग्निफाइड इमेज इज ए डैश बी डैश, बस यहाँ तक आप लिख दिए। और यदि इससे भी ज़्यादा लिखना हो तो यहाँ पर है ए बी इज ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा और ऊपर हम खींच लेते हैं, तो आप दो पॉइंट बना लो सेकेंड, तब वर्किंग यहाँ लिख देते हैं, देख लो द एस्केमेटिक पाला में द एस्केमेटिक एस्केमेटिक रे डायग्राम डायग्राम ऑफ द सिचुएशन सिचुएशन इज शॉन इन फिगर, और ये दो बना के दो पॉइंट बना दिया आपने। अब इसके बाद आपसे पूछते हैं मैग्नीफिकेशन, कोर्स ऑफ रेज जो लिखते हैं बुक वाले कैसे करना है, इससे ज़्यादा फालतू लिखने की हमें ज़रूरत। देखो बेटा पॉइंट कितना होगा, 1 2 3 4 5, अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब आपसे पूछते हैं मैग्नीफाइंग पावर, या इसको कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन फिकेशन, देखो बेटा इतना ही लिखने से काम चल जाता है, लेकिन आप ये किसका निकाल रहे हो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को, यहाँ पर लिख देना मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आपने बना दिया अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ पर इसी को एम से शो करते हैं, आगे बात समझ में, कहीं कोई प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर देख लो देखो द रेशियो ऑफ इमेज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय बाय इमेज एट
The ratio of angle subtended by image at the eye to the angle subtended by object. Angle subtended by object at eye when object is placed at the position of image. Position of image is called angular magnification of simple microscope. देखो, the ratio of angle subtended by image at the eye to the angle subtended by object at eye when object is placed at this. अब ये अभी तक हमने इसमें दिखाया नहीं है. अब यहाँ पर देख लो, इमेज ये चल रहा है, इमेज का लाइन ये है, ये कितना बड़ा एंगल बन गया, बीटा. इसको हम बीटा कहते हैं. यदि यहाँ देखने में क्लियर नहीं हो, यहाँ से खींच देते भाई. ये आपका हो गया बीटा एंगल. इमेज ने आँख के ऊपर कितना बड़ा एंगल बनाया, बीटा. अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर रख दिए हमने, A1 लिख दिए. अब यहाँ से जो इसको हम बनाते, तो ये एंगल हमारा हो गया अल्फा. मीनिंग समझो, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. इमेज ने तो बनाया बीटा एंगल, लेकिन जहाँ पर इमेज है वहीं पर यदि उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसने कितना बड़ा एंगल बनाया, अल्फा एंगल. माने ये ऑब्जेक्ट वाला साइज यहाँ से हमने कट कर लिया. जिस जगह पर इमेज है उसी जगह पर यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते तब कितना बड़ा एंगल बनता था, अल्फा एंगल. एंड देयरफॉर ये इसका हम 0.1 कर दिए हैं. 0.1 रेशियो डिफ्रेक्शन हो गया. और देयरफॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. हैव यू नोटेड, यहाँ तक लिख लिए. अब बेटा इस साइड आ जाओ. अब आपको इतने सारे पॉइंट ध्यान रखना है. अब देखो सेकंड पॉइंट, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एम से शो करते हैं. देयरफॉर एम इक्वल टू क्या मिल गया हमें, बीटा अपॉन अल्फा. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. आगे बात. अब यहाँ पर थर्ड में लिखो, डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. ये आपको यहां से नोट करना है. अब यहां पर देख लो, बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू
बीटा अपॉन अल्फा, ये समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बनाता था, ऑब्जेक्ट को वहीं रख देंगे तब जितना बड़ा बनेगा। फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर फॉर स्मॉल एंगल्स, एंगल्स इन, एंगल्स इन रेडियन, जनरली हम क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, एम इक्वल टू टेन बीटा टेन अल्फा। आ गए बात समझ में? अब आप लिखो हेयर, हेयर टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, ए डैश बी डैश, क्यों भाई हम बीटा तो यहीं से है ना, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, छोटा हम लेके चलते हैं। और टेन अल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे, हाँ बताओ, एंड टेन अल्फा, ए डैश नहीं ए वन, अल्फा तो यही बनाता है ना, ए वन अपॉन बी डैश अपॉन सी बी डैश। इस आधार पर एम इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ए वी अपॉन बी सी अपॉन ए वन बी डैश अपॉन सी वी डैश। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बेटा इसी को देख लो, एम इक्वल टू ए वी अपॉन बी सी इंटू सी वी डैश अपॉन ए वन बी डैश, बट ए बी इक्वल टू ए वन बी डैश। आपका ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, ये दोनों कैंसिल हो गए, काट दिया इसमें। अब हमारे पास तब इस तरह से क्या बच गया देख लो, एम इक्वल टू सी बी डैश अपॉन बी सी लिखो या सी बी लिखो, बी सी दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लो ये हमारा U है और ये हमारा हो गया V। yes, अब यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी लिखते हो तो क्या मिल जाएगा, माइनस सी वी डैश माइनस वी माइनस यू दिस इक्वल टू वी बाई यू, हमने यही लिख दिए। ये हमारे पास, चलो बेटा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग यूजिंग लेंस फार्मूला, हम क्या जानते हैं, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ, यही जानते हैं। अब इस आधार पर देख लो, हमने वी बाय यू चाहिए तो वी से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके क्या हो जाएगा, v इंटू वन बाई वी माइनस वी इंटू वन बाई यू दिस इक्वल टू वन बाई वी इंटू वन बाई एफ। अब आपके ये v और v तो कैंसिल हो गया, ये v, ये आपके वन हो गया माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, ये m हो गया हमारे पास निकल गए, आपके निकल गए वन माइनस एम दिस इक्वल टू वी वाई एफ, ये निकल गया वन माइनस वी वाई एफ इक्वल टू एम। रिजल्ट में हमने क्या लिखा, एम इक्वल टू वन माइनस वी वाई एफ, यहाँ तक लिख लिए।
but image form at least distinct of distinct vision. But V equal to 1 by D, हम कैपिटल D लिखते हैं बेटा, बुक वाले स्मॉल लिखते हैं या जो लिखें, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस. अरे चलो हम क्लियर लिख देते हैं, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, then V equal to minus D. भाई ये इधर भी गलत यही निकालेंगे, हम तो वैसे साइन यहाँ यूज किए थे लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए. तो इस कंडीशन में तब क्या हो जाएगा, M equal to 1 minus minus D upon F. रिजल्ट हो गया M equal to 1 plus D by F. This is required expression. This is required expression. बेटा खत्म नहीं हुए, यहाँ तक लिख लिए, इधर डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, अब देख लो थोड़ा और बच गया वो भी हम नोट कर लें. ये सेकंड हमने लिख दिया, this is required expression. ये हमने expression लिख दिए. अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब देखो बेटा आपने निकाल लिया m equal to 1 plus d by f. This is required expression. D की वैल्यू होता है 25, याद रखना. ये बताएंगे नहीं एग्जामिनर या पेपर में, आपको याद रखना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर. और यहाँ पर हमने क्या देखा, पहले बताए थे वी यूज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ. क्यों बिग क्यों नहीं, मॉडिफाइड क्यों नहीं, तो देख लो एज एफ डिक्रीजेज एम इंक्रीजेज, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करते हैं. This is required expression. As f decreases, m increases. This is why we use a convex lens of a small focal length. अब आपके इसका यूजेज देख लो, न्यू टॉपिक फिर आ गया इसमें. सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसी को मैग्नीफाइंग करते हैं क्योंकि हम मैग्नीफाइंग इमेज देखते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज बाई वॉच मेकर एंड ज्वेलर टू सी टाइनी पार्ट ऑफ वॉच एंड टाइनी डिजाइंस ऑफ ज्वेलर्स. By students in physics laboratory to read vernier scale. ये कहने के लिए है, थ्योरी है, कोई लैब में देते नहीं है टीचर, जबकि बच्चे को देना चाहिए. वर्नियर को मैच कहाँ से करते, इसलिए बच्चों से एरर्स आते हैं, फिर कहते हैं रीडिंग सही नहीं हुआ. तो इसलिए ये सब सारा ध्यान सावधानी रखना चाहिए. अब आप लोगों को मेरा ये टॉपिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना. केवल शेयर तो स्पेशली करना जो उन गरीब बच्चों के पास भी पहुंच जाए जिनके पास ट्यूटर रखने के लिए, हायर करने के लिए इकोनॉमिकली वीक हैं. इसलिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना. थैंक यू. वेलकम टू एसएन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल. इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू सिंपल माइक्रोस्कोप, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, एवरीथिंग. व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब कहोगे लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन क्या है, तो बेटा हम लेंस के पीछे आँख से देखते थे डायग्राम में, अब यहाँ से 25 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बन रहा है, उससे इमेज कम करोगे या डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इमेज ब्लूरेड हो जाएगा. तो जहाँ पर इमेज नीट एंड क्लीन देखते हैं उसको हम 25 पर मान के चले थे. लेकिन पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस हो गए. पहला, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ इन्फिनिट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा केस है व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी. अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसके कहेगा विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम,
अब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को वर्किंग बताओ, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटिव, तो इसमें भी बेटा इन्फिनिट सब कुछ वही हम डाल देते हैं जिससे कि आपका क्लियर कंसेप्ट रहे। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दे दिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल, दोनों अलग अलग कर लेना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, टाइनी इतना इंट्रोडक्टरी हम यहाँ भी डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या हमने वर्किंग निकाला है, वर्किंग ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। अब इसका सेकंड में आपके पॉइंट लिख लो, प्रिंसिपल, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक लाइन सभी का लिखना है, इससे क्या होता है लुकअप बनेंगे और टीचर को मार्क्स काटने का कोई जगह दिखेगा नहीं। इसका प्रिंसिपल क्या लिखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, एक्यूरेट इन्फिनिटी पर देंगे तब तो दूसरे साइड इमेज बनेगा, तो फोकस के क्लोज टू फोकस हम ये ले दें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। अब आपके तीसरे में आपके आ जाओ कंस्ट्रक्शन, अ सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ इसका छोटा होता है, इन दे दिए आपके। अब यहाँ पर चौथे में रे डायग्राम बना दो, अब रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम में देख लो कैसे बनाते हैं, देखो बेटा यहाँ पर मेनली रे डायग्राम में सबसे गलतियाँ होते रहते हैं, तो आप इसको इस तरह से ध्यान में देखो, हमने F यहाँ ले लिए, ठीक इतने ही डिस्टेंस हट के 2F ले लिए, ये मार्किंग देखते ही टीचर समझ जाएगा जो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, वो नंबर देने में थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे। एक्यूरेट यहाँ पर F डैश, यहाँ पर हमने 2F डैश लिख लिए, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर रे डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से एक रे गया और ये रे आपके कहाँ चला जाएगा, फोकस से चला गया, दूसरा रे आपके ऑप्टिकल सेंटर सी से गया, ये जो देखते हो सी से गया, थिन लेंस होने के कारण सी में चला गया, यहाँ आपने आई बना दिए ऐसे। अब यहाँ देखो आगे चल के मिलेगा नहीं, ये आपके पीछे की ओर गए, इसको हम क्या मानते हैं, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर आपने इसके दे लिए, अब इसके देख लो इमेज, मान लो ये हमारे पास ए और बी है, इसका हाइट को हमने एच लिख लिया और ये फोकस पर है तो इसलिए यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को एफ लिखा हमने। इमेज जो आँख पर बनाते हैं तो हमने कल भी लिए थे, छोटे ट्रेंगल का ही लिए थे, ये हमारा हो गया बीटा। आगे बात समझ में, अब बीटा हमने लिखे हैं यहाँ पर कंसीडर कर लिए, अब इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पर हेडलाइन छूट गया बेटा, यहाँ नोट कर देता हूँ शॉर्ट में, रे
डायग्राम, रे डायग्राम आपने दिखा दिए, द एस्केमेटिक, द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज सॉन्ग, रे डायग्राम बनाए गए, पांचवा पॉइंट वर्किंग लिख दो, क्लियर हो जाएगा। द स्कीमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन इन इन फिगर, ए पार्ट बी पार्ट में लिख दो, हेयर ए वी इक्वल टू एच, इज इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ए वी इक्वल टू एच, एच इसका हाइट है ए वी का, इज एन ऑब्जेक्ट एट फोकस हुज इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। यहाँ पर हमने कहने के लिए तो फोकस पर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम इधर इमेज बनाते, उल्टा लिखते, लेकिन हमने पीछे ही बढ़ाए हैं, इमेज का नेचर हम क्या लिख देंगे, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। यहाँ पर इसलिए एक्यूरेट फोकस पर नहीं रखते हैं, फोकस और सी के बीच में लिखते हैं, एट फॉर्म्स एट इन एट फोकस या हेयर ए वी इज क्लोज टू फोकस, या नहीं कराने दो, इन्फिनिटी पर बनते हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछते हैं मैग्नीफाइंग पावर लिखो, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, ये वर्चुअल हो जाएगा, ऑन प्रोड्यूसिंग, ऑन प्रोड्यूसिंग वी ऑब्टेन प्रोड्यूसिंग बैक, वी ऑब्टेन इमेज एट इन्फिनिटी वर्चुअल डी इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड। बार बार मैं बता देता हूँ, यहाँ यदि हम कहते हैं आप पहला लास्ट केस सीख चुके हो, फोकस पर आते हैं तो इमेज इस साइड बनते हैं, पहले सीखे थे इन्वर्टेड बनता है, रियल इन्वर्टेड, लेकिन हमने इसको पीछे बढ़ाए तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आते हैं सिक्स, मैग्निफाइंग, यहाँ पर हम एंगुलर लिखते हैं, मैग्निफाइंग पावर अब ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, हमें देखने में सुविधा होगा, हम साफ साफ इमेज को देख पाएंगे। अब इस कंडीशन एंगुलर पावर, द रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगल एंगल द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड फॉर्म बाय इमेज एट आई
इमेज जैसे इन्फिनिटी पर हमारे पास द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज एट आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी लीस्ट placed at least distance of angle made by object placed at least distance of distinct region. Region is called its magnifying power. ये हमारे पास हो गए. अब इसका जो हम बनाते हैं यहाँ पर देख लो, ये तो H है, ये F पर है, तो यहाँ पर हो गया X, इसका पार्ट A लिख लो, सिंपल लिख दिया हमने. B में एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर दैट इज M के लिए m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. देखो बेटा बीटा हमने यहाँ बना दिया है. आप कहोगे सर इसमें अल्फा तो दिखता नहीं है, तो इन्फिनिटी पर लें चाहे ए बी अपॉन ये ले लें, हो गया ना. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लिख लो दिस इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा एज फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन थीटा इक्वल टू टेन थीटा हम लिखते हैं. थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं, तो इसी तरह से बीटा इक्वल टू टेन बीटा इसके लिखते हैं. अब यहाँ पर कहोगे सर बीटा कहाँ पर है, बीटा तो आपको दिखाई पड़ता है हेयर. अब दूसरा डायग्राम एक और बना देते हैं अल्फा के लिए. अब हमने क्या किए इसके लिए बना देते हैं भाई एच वाई. ये हमारे पास आई है, आई यहाँ पर हमने डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ तो फोकस लेके चले थे, डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा. इसका हाइट क्या है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तब जो एंगल बनते हैं इसके लिए. अब आपके ये हमारा ए बी है, समझे ए बी को हमने यहाँ रख दिया आई से लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर. अब ऊपर लिख लिया आप लोग, अब यहाँ पर देख लो नाउ टेन अल्फा पी वाई डी लिखते हैं, पी की जगह पर क्या है एच अपॉन डी. टेन बीटा दैट इज ए वी अपॉन सी वी दैट इज एच अपॉन एफ, इसका लेंथ का लेंस का फोकल लेंथ. Therefore, m equal to 10 beta upon 10 alpha, that is h upon f upon h upon d. अब आप इस कंडीशन में m equal to h upon f into d upon h, ये कैंसिल हो गए, तो m equal to क्या मिल गया हमें d by f. यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू d अपॉन f. दिस इज रिक्वायर्ड
एक्सप्रेशन। अब वहाँ पर हम क्या लिखते थे बेटा, वन प्लस डी बाई एफ, यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या हो गया, डी बाई एफ, केवल डी बाई एफ हो गए, क्लियर हो गए। तो आपके ये समझ में आ गए, मैं कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो थैंक यू।